Hey guys, what's up? I'm Kanan Dits and welcome back to my channel. So guys, video का टाइटल हमने लिख के आप समझ गए वीडियो आज हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है. So guys, आज हम फोटो जो एडिट करेंगे गाइज में आपको मजा आएगा काफी. तो यार वीडियो को स्किप मत करना यार, एंड अगर वीडियो को स्किप करोगे तो यार कुछ समझ नहीं आएगा. So guys, वीडियो को पूरी एंड तक देखना ठीक है. एंड आप सभी को इसमें जितने बैकग्राउंड PNGs का मैं यूज करूंगा ना, आप सभी को इनके सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सिंपली जाकर डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं. एंड गाइज, आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो. आपकी एक लाइक से यार मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड गाइज मेरे को वीडियो लाने में बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट वीडियो में. तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड गाइज कमेंट बॉक्स में बताना यार वीडियो कैसी लगी. एंड गाइज अगर आप मेरे को कोई एडिटिंग मतलब कोई पसंद आ जाती है या आप चाहते हो उसका ट्यूटोरियल मैं बनाऊं, तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे उसमें मेंशन कर देना, मैं देख लूंगा. एंड गाइज मैं फिर उसके बाद कोशिश करूंगा इसका मैं आपको ट्यूटोरियल ला के दे सकूं. एंड गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दो, एंड बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लेना. एंड गाइज वीडियो यार अपने सभी फ्रेंड को शेयर करो यार, हम 10K सब्सक्राइबर के बहुत करीब है. तो गाइज वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. आप सभी को पहले करना क्या है गाइज, देखिए जो बैकग्राउंड मैंने ओपन कर रखा है गाइज, आप सभी को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है. सो आप सभी को कब करना क्या गाइज, चलते हैं हम ऐड फोटो में ठीक है. ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है ठीक है. एंड मैंने अपने मॉडल का गाइज पहले से बैकग्राउंड इरेज कर रखा है. सो गाइज जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लेना, एंड गाइज बैकग्राउंड इरेज कर लेना. सो गाइज आप सभी को अपने मॉडल के साइज किस तरीके से बड़ा कर लेना है ठीक है. एंड इसको आपको सिंपली इस तरीके से कोने में ऐड करना है ठीक है, मतलब आपके एक आंख दिखनी चाहिए गाइज ठीक है. आपको सिंपली इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है. साइज को गाइज आपको अपने हिसाब से देख लेना गाइज, आप कितना साइज रखना चाहते हो ठीक है. एंड मैं इसको इतना रख लेता हूँ अपने साइज को ठीक है. एंड उसके बाद आप सभी को करने का इरेजर टूल में जाना है ठीक है. फोटो को डन नहीं करनी गाइज, आपको इरेजर टूल में जाना है. इरेजर टूल में जाने के बाद गाइज पहले इसके मैं हार्डनेस को फुल कर लेता हूँ ठीक है. हार्डनेस को फुल कर लेता हूँ गाइज, की साइज को छोटी कर लेता हूँ ठीक है. एंड इसको आपको अपनी आईज को इरेज करना है गाइज ठीक है, ओनली आपको आईज को इरेज करना है गाइज, और कुछ इरेज नहीं करना है ठीक है. सो इसका गाइज मैं पहले थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ ठीक है, इसकी साइज बढ़ा के मैं पहले कर लेता हूँ फटाफट ठीक है. सो गाइज ये जो मतलब इसमें आईज रेस कर रहे हैं गाइज, हम इसलिए रेस कर रहे हैं क्योंकि गाइज इसमें ना हम मतलब कि लाइट को PNG लगाएंगे ठीक है. सो आगे आप वीडियो में देखते रहना गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, आपको सभी सबको समझ आएगा धीरे धीरे. सो गाइज मैं इसका इरेज कर लेता हूँ ठीक है सिंपली, एंड ऊपर से कर लेता हूँ डन ठीक है. सो मैंने इरेज कर लिया, एंड गाइज हम कर लेते हैं अब फोटो को डन कर लेते हैं अब ठीक है गाइज. सो अब चलते हैं हम गाइज ऐड फोटो में ठीक है. ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को एक PNG लेना है ठीक है गाइज, ये वाला ठीक है. आपको इसका कंपास का PNG लेना है. एंड गाइज आपको इफेक्ट में जाना है, FX में जाना है, ये गाइज आपको ऊपर दिख रहा होगा. एंड गाइज आपको ब्लर में जाना है, एंड गाइज आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है. एंड गाइज इसकी ओपेसिटी 5 रखनी ठीक है, 5 तक रखनी है आपकी इसकी ओपेसिटी. एंड गाइज इसको आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे लगाना है ठीक है. एंड साइज आप देख लेना गाइज, ज़्यादा मतलब गाइज बड़ा रखना है छोटा रखना है. सो गाइज अपने हिसाब से रख लेना ठीक है. एंड इसको आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है ठीक है, सेंड कर लेना डन ठीक है गाइज. एंड अब हमें गाइज दोबारा से जाना है ऐड फोटो में ठीक है. एंड एक PNG और लेना है, जो गाइज मैंने अभी आप सबको बोलता कि गाइज हम उसमें लाइट लाएंगे, तो गाइज हम लाइट का PNG ले लेते हैं एक ठीक है. एंड गाइज सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वीडियो को पूरी देखने के बाद जाके लास्ट में गाइज पहले जाकर डाउनलोड कर लेना लास्ट में ठीक है. एंड उसके बाद वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर देना. एंड गाइज मैंने लाइट का PNG ले लिया है ठीक है. एंड अब चलते हैं ऐड में ठीक है. एंड अब इसको हम ब्लेंडिंग मोड रखेंगे गाइज, स्क्रीन रखेंगे इसका ब्लेंडिंग मोड ठीक है गाइज. इस तरीके से इसको कर लिया हमने गाइज ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लिया ठीक है. एंड इसको आपको साइज को आपको इस तरीके से रखना है ठीक है. एंड इसको आपको इसको अपने आईज पे लगाना है ठीक है, इस तरीके से. एंड कर लेना फोटो को डन ठीक है. एंड ऐड फोटो में जाके गाइज आपको एक PNG और लेना है ठीक है. ऐड फोटो में चलेंगे गाइज, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को एक PNG मिलेगा गाइज, उसका क्या कहते हैं गाइज ये बिजली कड़कती हुई, उसका PNG लेना है मैं गाइज ठीक है. आपने थंबनेल में देखा होगा गाइज. सो गाइज हमारा एक वही थंबनेल रह गया ठीक है, हम उस थंबनेल को लगा लेते हैं सिंपली. सो गाइज सिंपली हमने PNG को ले लिया, अब कर लेते हैं गाइज इसको ऐड ठीक है गाइज. एंड इसका ब्लेंडिंग मोड गाइज, इसका भी हमें स्क्रीन रखना है ठीक है. एंड गाइज इसको गाइज सेट करने से पहले हमें सबसे पहले गाइज क्या करना है गाइज, हमें जाना है पहले FX में चले जाते हैं गाइज ठीक है. पहले हम ठीक है डन मत करना गाइज, पहले FX में चलते हैं ठीक है. FX में जाने के बाद वही गाइज हमें इसको ब्लर करना है. एंड गाइज की ओपेसिटी को वही थोड़ी सी रखनी है ठीक है. इसको हम 3 तक 3 तक रख लेते हैं इसकी ओपेसिटी. एंड कर लेते डन. एंड गाइज ठीक है, इसको सिंपली आपको इस तरीके से अपने फेस के ऊपर ऐसे लगाना है. एंड कर लेना डन ठीक है. एंड गाइज अब आप सभी को करना क्या है, गाइज जाना है ड्रॉ टूल में ठीक है गाइज.
ड्रो टूल में चलते हैं एंड गाइस फोटो को कर लेते हैं सेव। एंड गाइस में जो भी कलर करेक्शन होगी हमारे लाइट रूम ऐप के अंदर ही होगी। ठीक है गाइस, गाइस मैंने फोटो को ऐड कर लिया है। ठीक है एंड आपको करना क्या है गाइस, ऑल फोटोज में जाता हूँ गाइस। ठीक है, ऑल फोटोज में जाने के बाद गाइस जो फोटो को ऐड किया गाइस उसको हम उसको ओपन करेंगे। ठीक है गाइस, उस फोटो को ओपन करेंगे एंड गाइस सिंपली आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, आपको इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, ये जो साइड में दिख रहा होगा गाइस। ठीक है एंड इसके हाईलाइट्स को आपको कम करना है। ठीक है, माइनस करना है, इसको हम माइनस कर लेते हैं, 45 तक माइनस कर लेते हैं। ठीक है एंड आपको शैडो दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, इसको भी हमें माइनस कर लेना है। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं 42 तक। ठीक है एंड उसके बाद आपको व्हाइट कलर व्हाइट दिख रहा होगा, सॉरी गाइस कलर नहीं व्हाइट। सो गाइस आपको इसको प्लस 40 तक करना है एंड गाइस ब्लैक को करना है माइनस 33 तक। ठीक है एंड चलते हैं नीचे वाले टूल पे एंड चलते हैं गाइस मिक्स में। ठीक है, रेड कलर के ह्यू को गाइस हमें माइनस करना है 20 तक। ठीक है एंड ले लेते हैं ऑरेंज कलर। ठीक है एंड इसके सेचुरेशन को हमें कर लेना है कम 17 तक। ठीक है एंड ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है। ठीक है 14 तक। ठीक है एंड आप ले लेते हैं गाइस ब्लू कलर। ठीक है, इस ब्लू कलर को ले लेते हैं आप गाइस। ठीक है गाइस, एक एक कलर को हमें गाइस चेक कर करके गाइस यूज़ करना है। ठीक है, हम ब्लू कलर के हम पहले गाइस देख लेता हैं मैं कौन सा कलर इसमें बेस्ट लग रहा है। ठीक है, सो ये मेरे को यार ब्लू कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको गाइस पर्पल कलर ही रखूंगा। ठीक है, सो हम इसको ह्यू को रखेंगे माइनस प्लस 100। ठीक है गाइस एंड इसके सेचुरेशन को गाइस इसके सेचुरेशन को हम बढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस सेचुरेशन इसके गाइस बढ़ाना है मैम गाइस, हमें ज़्यादा खास नहीं लग रही, वैसे गाइस अच्छी लग रही है। एंड गाइस अगर आप इसमें रखना चाहते हो ह्यू तो गाइस आप इसमें भी रख सकते हो, बट मैं गाइस इसको पर्पल कलर ही रखूँगा। ठीक है, तो हम इसे प्लस 85 तक रखेंगे कि। ठीक है गाइस एंड ल्यूमिनस को माइनस करेंगे गाइस 40 गाइस, इसको प्लस में रखते हैं गाइस 36 तक। ठीक है गाइस एंड गाइस हम एक बार इस वाले ब्लू कलर को भी चेक कर लेते हैं गाइस। ठीक है गाइस, स्काई ब्लू को देखते हैं गाइस ये कैसा लग रहा है। ठीक है जिसमें भी। ठीक है, सो इसको हम ह्यू को माइनस करते हैं गाइस, अब प्लस करके देखते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस प्लस में 39 तक रखना है एंड कर लेना डन। ठीक है गाइस एंड सेचुरेशन में आना है आपको गाइस। ठीक है, सेचुरेशन को माइनस 21 तक रखना है गाइस। ठीक है, बट यार हम इसको माइनस नहीं गाइस। ठीक है, हम इसे माइनस 1 तक ही रखेंगे गाइस, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो गाइस। ठीक है एंड ऊपर वाले गाइस वाइब्रेशन को हम रखेंगे प्लस 17। ठीक है एंड टेम्परेचर को करेंगे माइनस 6। ठीक है गाइस एंड उसके बाद गाइस अब सभी को करना क्या है गाइस, टेंट को भी हम प्लस 4 तक कर लेते हैं। ठीक है गाइस एंड अब हमारा गाइस एक काम और रह गया गाइस, चलते हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड गाइस आपको ये वाला आइकन दिख रहा होगा, आपको इसमें जाना है। ठीक है, इस फोटो क्लियरिटी को बढ़ाना है। ठीक है गाइस एंड उसके बाद गाइस आपको करना क्या है गाइस, विकनेट दिख रहा होगा आपको गाइस नीचे। ठीक है, आपको विकनेट को रखना है माइनस 16 तक। ठीक है गाइस एंड उसके बाद गाइस आपको करना क्या है गाइस, आपको फेदर को 100 प्लस कर देना है। ठीक है गाइस एंड उसके बाद गाइस आपको जाना है नीचे वाला आइकन पे, आपको दिख रहा होगा गाइस इस वाले पे। ठीक है गाइस एंड इसके बाद हमें गाइस फोटो में शार्पिंग बढ़ानी है। ठीक है, सो हम फोटो की शार्प बढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, इससे हमारी फोटो HD क्वालिटी में हो जाती है। सो गाइस अब हम कलर नोइज रिडक्शन को बढ़ा लेते हैं। ठीक है एंड उसके बाद गाइस हमें करना क्या है, ये कलर नोइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेते हैं, जो भी गाइस हमारे फोटो में कलर की नॉइज होगी वो सारा हट जाएगा इससे। ठीक है गाइस, सो यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर एंड बिफोर करके दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है, कि हमने लाइट रूम में कैसी की थी एंड उसमें पिक्सआर्ट में कैसी। सो गाइस ये हमें लाइट रूम में ऐसी पिक्सआर्ट में ऐसी फोटो एडिट की थी एंड लाइट रूम में ऐसी। सो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइस अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना यार। ठीक है एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर लेना एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ला, आपको नाम यूजर नेम आपको दिख ही रहा होगा गाइस स्क्रीन पे। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।